फिर कराई सरहद पार, पाकिस्तानी लड़की से निकाह का नया मामला। आइए जानते हैं सीमा हैदर 2.0 की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है उर्वी मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू की कहानियां अभी तक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। उसी बीच जोधपुर में एक ऐसी खबर सामने आती है जहां एक जोड़ा सरहद पार कर घर बसाता है। दरअसल जोधपुर के रहने वाले अरबाज ने पाकिस्तानी अमीना से निकाह कबूला। मामला चर्चा का विषय तब बना जब पता चला कि दोनों ने ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए निकाह कबूल किया है। सूत्रों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान में बैठे काजी ने निकाहनामा पढ़ाया। उसी बीच दोनों लोगों के परिजन और रिश्तेदार उसमें शामिल हुए और उन्होंने LED के जरिए निकाह दिखाया गया। जोधपुर शहर में रहने वाले अरबाज खान की शादी पाकिस्तान की कराची में रहने वाली अमीना से तय हुई। निकाह से पहले वीजा नहीं मिलने के कारण बुधवार को अरबाज और अमीना ने ऑनलाइन निकाह किया। अरबाज अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ सेहरा सजा कर बैंड बाजे के साथ घोड़ी पर बैठ नाचते गाते बारात लेकर ओसवाल समाज भवन पहुंचा, जहां ऑनलाइन निकाह के पूरे इंतजाम किए गए थे। दूसरी ओर दुल्हन पाकिस्तान के कराची में अपने परिवार के साथ ऑनलाइन निकाह की रस्में निभा रही थी। शहर के काजी ने निकाह पढ़ाया और दूल्हा दुल्हन ऑनलाइन निकाह कबूल कर एक दूसरे के हमसफर बन गए। दोनों ही परिवारों में खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन निकाह होने के बाद दुल्हन को अपने ससुराल आने में अभी समय लगेगा। दूल्हे के पिता मोहम्मद अफजल ने बताया कि दोनों मुल्कों के बीच भले ही तनाव हो, लेकिन रिश्ते तो बनते रहते हैं। अफजल ने कहा कि निकाह तो हो गया है, जल्द ही हम वीजा के लिए आवेदन करेंगे। वीजा मिल जाएगा तो पाकिस्तान से दुल्हन घर आ जाएगी। उन्होंने कहा कि शादी से हमारा पूरा परिवार खुश है। अरबाज का कहना है कि पाकिस्तान जाकर हम लोग शादी करते तो वो भारत में मान्य नहीं होती, यहाँ आकर वापस शादी करनी पड़ती। हम लोग भारत का निकाहनामा दिखाकर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आसानी से हमें वीज़ा मिल जाएगा। बता दें कि जोधपुर में रहने वाले अरबाज ऐसे दूसरे शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तानी दुल्हन से ऑनलाइन निकाह किया है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं उर्वी मिश्रा, कैमरा पर्सन आदित्य बरनवाल के साथ।